सभी पंचायत में जो क्लेश हो गया था इस वजह से हम लोग शिक्षा कार्य के लिए गठन हो गया। मत करो अभी कोरोना के टाइम 10-15 दिन सब ठंडा हो जाएगा सब ठीक है। ग्रास रूट लेवल को नहीं मानते ना, समझाने के लिए मीटिंग। आप लीडर है कि ग्रास रूट लीडर है? हम अभी अभी ये लोग अगर इसीलिए तो प्रॉब्लम है, हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं, कल अगर हमारा पार्टी हमको बोलेगा नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे तभी भी हम इसके लिए हम महाराजा है, इसके लिए हम लीडर है, हम डिसीजन ले सकता है जिसमें हम पब्लिक के बारे में सोचता कम्युनिटी के बारे में सोचता। बात तो यह है कि आपकी ना वो लोग उसको तो पकड़ो अभी, वो तो सिर्फ एक दिन ना वो लोग और भी और एक भी हॉस्पिटल वो गया अलगोविदी तो फोन पोस्टपोन हो गया था पार्टी से भी सस्पेंड होगा। अरे हम जाएंगे आपको कॉन्फ्रेंस में, हम देखता कॉन्फ्रेंस से पहले वो देखो सबसे पहले मैं चूंकि बुभागरा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जैसा मुझे फोन आया एक मैसेज आया शायद आपसे ही आया कि यहाँ में बेलबारी की तरफ कुछ हो रहा है हमारे जिंदगी में कुछ हो रहा है, मैं हमेशा थानसा बोलता हूँ ये लोग ये कुछ गुंडे लोग जो दूसरे पार्टी से भी है टिपरा मोथा में ज्वाइन किया वो हमारा पार्टी का नाम लेके मेरा नाम खराब करने के लिए टिपरा सा को अटैक कर रहा है। तो जैसा मुझे खबर मिला मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने फाइंड आउट किया कि ये कौन था ये आदमी और उसको अभी सरेंडर भी कराया है और अभी उसको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है। और उसके बाद मैं धीरेन को लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आया क्योंकि उसको कान में लगा है तो ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि मेरे मैं दिल में इनको भी अपना टिपरा से ही समझता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम लोग अलग हैं। और ये बेवकूफ लोग गुंडे लोग जो ये करते हैं ये हमारे ही थानचा तोड़ना चाहते हैं, आज अगर इनको कोई ने अटैक किया तो इसमें बुभागरा को खुशी कैसा हो सकता है? अगर एनसी को कोई ने काला झंडा दिखाया तो हमको हम कैसा खुशी होगा? जब मुझे काला झंडा दिखाया गया था मिर्जा कथालिया में यूथ IPFT लोग ने दिखाया था तो क्या टिपरा साहब खुश हुए थे? नहीं। तो ये सब चीज को खत्म करना है, इसके लिए मैं आया खुद और एज अ चेयरमैन ऑफ टिपरा मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, मैं उनके साथ था, वो जिसने इनको ऊपर अटैक किया इनको अरेस्ट कराया है और आज ही साथ साथ पार्टी से सस्पेंड भी किया है। मतलब जिधर को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया हूँ क्योंकि मैं आई एम होपफुल दैट एक दिन हम लोग एक संग ही काम करेंगे। और इससे किसका फायदा होता है? किसी का फायदा नहीं होता। और बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कोरोना के टाइम इतना कोशिश कर रहा हूँ जो बाहर में हंसे उनको लाने के लिए, यहाँ में प्रॉब्लम है कोरोना हो रहा है और यहाँ में इन लोगों को राजनीति करना है, इनको गुंडागर्दी करना है। तो अगर ये सब करा के कौन इस लोग फायदा उठा रहा है? जो जिस लोगों को थानचा नहीं चाहिए, जो दोफा के बारे नहीं चाहते हैं, जिसको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है उसी को फायदा होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ टिपरासा और टिपरासा को फाइट कराने के लिए पीछे कोई और रहता है, चाबी कोई और लगाता है और हम लोग बेवकूफ जैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। आज मैं खुद सॉरी बोलता हूँ सबके सामने मीडिया के सामने, क्योंकि अगर अपना टिपरासा को किसी ने अटैक किया और ये मेरा आदमी था तो इसका मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसको सस्पेंड करूं। और आपके मीडिया के थ्रू मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर टिपरा मोथा के किसी ने भी किसी को काला झंडा दिखाया, कोई टिपरासा लीडर को काला झंडा दिखाया, जितेंद्र चौधरी हो, IPFT का कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो काला झंडा दिखाया तो मैं उनको सस्पेंड करूंगा। ये हमारा टिपरा मोथा का सिस्टम नहीं है, कल्चर नहीं है, हम लोग गो बैक और काला झंडा नहीं वाला राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए आज मैंने एग्जाम्पल किया है, मैंने एग्जाम्पल बना के इनको इमीडिएटली सस्पेंड किया और अरेस्ट भी कराया है।
अरेस्ट तो सिर्फ एक लोग हुआ है, तो एक लोग तो अटैक नहीं, जब तक मेन लीडर अरेस्ट नहीं होगा जिसने उनको ऊपर हमला डायरेक्ट हमला किया, जब तक मेन लीडर अरेस्ट नहीं होगा तब तक कोई इसमें सबक एग्जांपल नहीं बनेगा। वो बकरा एक्सक्यूशन है, कल जंपी नाम आया है, दिखाया सब, हाँ सस्पेंड हो रहा है।